बच्चा है भाई, आपका बच्चा सही काम पे लग गया, अब मैं आपसे मिठाई भी नहीं मांगू। और कोई मसला तो नहीं है ना, तो बताओ, हम हाजिर हैं। हम उसे घर में तुम्हारे लिए घर बनाएगा, घर बड़ा वाला, तुम सुकून से रहना। ठीक है समंदर, अब तुम टेंशन नहीं लो, ये प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए, अपने हाथों में बस तेरा हाथ चाहिए। हिदायतुल्ला पाजी को लेट हो रहा है, लेके जाओ। चलिए। लप्पा की जोड़ी सलामत रखना। बस यहाँ रोक दो। ये लो 500 भाई। 500 नहीं, 250 रुपए हो गए आपके। हैं? 250 कैसे? समझा नहीं बात आपकी। समंदर खान तो मुझसे 500 रुपए लेता था, इसलिए मैं आपको भी 500 दे रही हूँ। वो समंदर खान का जो रिक्शा है ना, वो पेट्रोल पे चलता है, तो वो मीटर ज्यादा घूमता है उसमें। ये सीएनजी पे है तो कम लगता है, तो आप मुझे सिर्फ 250 रुपए देना है। सच में? जी। ये 250 है, काउंट कर लो। नहीं ठीक है। तुम बड़े अच्छे और ईमानदार निकले, तुम मुझे झूठ बोल के 500 भी तो ले सकते थे। अब तुम ही आना रोज मुझे लेने इसी जगह पे सुबह 8 बजे। मैं आऊँ लेने रोज? हाँ, अब अपनी सवारी पक्की समझो, अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। आप मेरा नंबर लिख ले, मुझे कॉल कर दीजिए। ठीक है, बताओ। 1145। ठीक है, मैंने सेव कर लिया, सुबह आ जाना टाइम पे। ठीक है, 7 बजे आ जाऊंगा। कुछ कहा? नहीं, मैं उससे बात कर रहा था। अल्लाह हाफिज़। सफारी पार्क खुला है, वहाँ पर बहुत अच्छे से झूले। चलेंगे चलेंगे, किसी दिन चलेंगे हम लोग। चलो ठीक है, मैं करता हूँ आपसे बाद में बात। ओके ओके। इस टाइम कौन आ गया? कौन इस टाइम कौन आ गया? बहन, इतनी जल्दी? हाँ, खुर्रम हैरान हो गए ना मुझे देख के। आ जा, पूरा आधा घंटा पहले आई है। हाँ, सब बताती, तुम पंखा तो चलाओ। आप ये लोड शेडिंग का टाइम है। अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, एक तो लोड शेडिंग इतनी होती है। आप आज जल्दी कैसे आ गई? कुछ नहीं खुर्रम, यूनिवर्सिटी से निकली थी, समंदर खान के पास गई तो उसने कहा आज मेरी धन्नो खराब है। फिर कह रहा था कि कोई छोटा भाई है उसका, हिदायत नाम था, तो उसके साथ कह रहा आप चली जाए, भरोसे वाला है और काफी मुझे ईमानदार भी लगा। सही कह रहा था समंदर खान। तुम्हें पता है उसने मुझे जल्दी भी पहुंचा दिया और 250 रुपए लिए, वरना समंदर खान तो 500 रुपए लेता था। इतना? इतना ज्यादा फर्क और टाइम भी बच गया, काफी ईमानदार लगा यार। झूठ भी तो बोल सकता था, ज्यादा भी ले सकता था। ये बात तो है, वरना रिक्शे वाले ज्यादा ही लेते हैं पैसे। हाँ, मैंने उसको बोला आप पैसे बचाऊंगी, अब रोज आप ही आ जाना, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। ये सही करा आपने। अच्छा आप बैठे हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ, मैं बस चेंज करने जाऊंगी, तुम मुझे ठंडा पानी मिलाओ पहले। जी जी। Thank you.
सुबह के 6 बजे कौन पागल कॉल कर रहा है? बहन ये कौन है यार पागल सुबह 6 बजे कॉल कर रहा है? कौन है? हेलो हिदायत, अभी कहाँ 8 बजे हैं, अभी तो सुबह के 6 बजे, तुमने नींद खराब कर दी। 8 बजे आना भी जाओ, अभी सोने तो अभी तो 2 घंटे हैं पूरे, इतनी जल्दी नहीं जाना मुझे यूनिवर्सिटी, 8 बजे आ जाना ठीक है? 8 बजे का बोला था, 6 बजे ही आ गया। टाइम हो गया अभी तक नहीं, रास्ते बड़े खराब हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। काफी देर से वेट कर रहे थे दायर। मैम मैं सुबह 6 बजे से आया हूँ, आपको मैंने कॉल भी की थी। हाँ याद आया, तुम्हारी चीज़ मुझे कॉल आई थी, उस वक्त मैं सो रही थी। हिदायत इतनी जल्दी कौन आता है? मैम मैंने सोचा कहीं आपको लेट ना हो जाए तो बस जल्दी आ गया था। हिदायत तुम 2 घंटे पहले आ जाओगे ना तो मैं लेट तो नहीं होंगी लेकिन जल्दी जरूर पहुंच जाऊंगी। सॉरी मैम वो सुबह कॉल करके डिस्टर्ब किया मैंने आपको, माफी चाहता हूँ। चले कोई बात नहीं, बस जल्दी से टाइम पे आना। चले चले ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ आप पूछो। आप लोगों की यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां क्या साथ में पढ़ते हैं? क्या मतलब? मतलब मैंने तो 10 तक ही पढ़ा है और हमारे यहाँ तो लड़कों का स्कूल अलग होता था, लड़कियों का अलग होता था, तो आपके यहाँ मतलब दोनों साथ में क्लास में साथ होते हैं? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल्स अलग अलग होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी ना को एजुकेशन होती है, उसमें लड़का लड़कियां साथ पढ़ते हैं। मतलब लड़के भी होते हैं क्लास में, लड़कियां भी होती हैं और क्लास चल रही होती है? हाँ सब साथ होते हैं। फिर तो ऐसे आपस में लड़के लड़कियों की दोस्तियां भी हो जाती होंगी? मतलब लड़का भी है क्लास में और लड़की भी है तो आपस में दोस्ती? हाँ काफी दोस्तियाँ होती हैं सबकी। तो आपके भी दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में? हाँ भाई मेरे भी दोस्त हैं, क्योंकि ग्रुप्स बन जाते हैं ना तो फिर साथ मिलके पढ़ते हैं, साथ मिलके काम करते हैं। दोपहर वसूली हो गई थी? वसूली तो कर ली थी और जहाँ अमाउंट पहुँचानी थी वहाँ पहुँचा भी दिए। बेहतरीन। और वैसे कैसा जा रहा है आदि भाई काम का पहला हफ्ता? मजा आ रहा होगा हकलाल की कमाते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे एक बात है, आपके चेहरे से कोई परेशानी जाहिर हो रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसा आपको लगता है, लेकिन जब भी आप कोई बात छुपाते हो ना तो आपके चेहरे पे वाजे हो जाती है। सबको छोड़ो मुझे ये बताओ, ये जो यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, इनकी आपस में दोस्तियां कैसी होती हैं? भाई साहब यूनिवर्सिटी कहाँ पहुंच गए, हम तो कभी 10 से आगे गए ही नहीं है। यार सब बताता हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दो कि मतलब वहाँ पे दोस्तियां कैसी होती हैं। यार हादी भाई जहाँ तक के मैंने सुना है यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की दोस्त भी होते हैं और क्लोज भी, और ये कि कुछ टाइम तक के वो लोग साथ रहते हैं, फिर वहाँ पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले भी चक्कर हो जाता है और शादियाँ भी हो जाती हैं ऐसे। वैसे आजकल तो आदि भाई यूनिवर्सिटी बदनाम ही इसी चीज़ के लिए है, वहाँ पे पढ़ाई कम और कपल गोल्स ज़्यादा होते हैं। मतलब हादिया का भी चक्कर होगा किसी के साथ? भाई हादिया कौन? हादिया ये हादिया कौन है? बताता हूँ यार सब बताता हूँ, असल में हुआ ये चले
जी आपको फ्लाइट। अच्छा तो ये सारे मामलात हैं जिस वजह से आदि भाई इतने परेशान हैं। बस यार इसी वजह से परेशान हूँ, मोहब्बत तो कर बैठा हूँ उससे लेकिन अभी अंदाजा नहीं है, कहीं यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद ना करती हो वो। यार आदि भाई ये तो बड़े गमगीन मामलात हैं। गमगीन मामलात तो हैं यार अफ़नान, ये तो बहुत मसले की बात है आदि भाई। अब तो आपको उसकी बातों से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं। अल्लाह करे उसकी लाइफ में कोई और ना हो, और मैं भी अभी कोशिश करूंगा कि ये जान लूं कि वो किसी को पसंद तो नहीं करती, वरना मुझे भी सुकून नहीं आएगा जब तक। ये बात तो है आदि भाई, क्योंकि मोहब्बत चीज ही ऐसी है। आदि भाई अगर आप बुरा ना माने तो एक शेर आ रहा है, अर्ज करूं। इरशाद, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आ गई मैम आपकी मंजिल। अस्सलाम वालेकुम भाई। प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए, अपने हाथों में बस तेरा।